प्लांट है, ये इसका नाम है इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। ये पानी फिल्टर का काम करता है, जो अपना अंदर से दूध का पानी, वाशिंग का पानी आता है उसको साफ करता है। बाकी इसमें क्या है, कास्टिक वगैरह, इनका डोजिंग वगैरह चलता है। ये अपना कास्टिक है, जैसे इसका काम है ये पानी का पीएच को बढ़ाना। यदि पानी का पीएच कम हो तो अपन कास्टिक चला सकते हैं, ये पीएच बढ़ाने का ही काम करता है। और ये अपना एटीएल है, पोली बोलते हैं इसे। ये सलज को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसको चिपकाता है सलज को, चुंबक की तरह सलज को अपनी ओर खींचता है। ये अपना 9231 केमिकल है, ये पानी को फाड़ता है, जैसे तेल वगैरह सबको फाड़ के पानी को क्लियर करता है, ये उसका सलज बना देता है। ये अपना डोजिंग चल रहा है तीनों का, जो कि फ्लक्सन टैंक में चल रहा है। ये ऊपर टैंक जो है फ्लक्सन टैंक है, वो उसमें तीनों का डोजिंग और फीड चल रही है अपना। ये मूविंग ग्लोविंग चेम्बर है, जिसमें अपनी मूविंग एयर चल रही है। इसमें मीडिया वगैरह डले हैं, इसमें पानी अपना जो आता है इसका उसी में आता है, इसी में एयर चल रही है सर। ये अपने ब्लोवर है, जो कि मूविंग ब्लोविंग में एयर छोड़ रहा है। ये दोनों ब्लोवर है, एक एक घंटे में चलते हैं दोनों, ऑटो सिस्टम है इन दोनों का। अभी ये चल रहा है, एक घंटे बाद वो चलेगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये मूविंग ब्लोविंग सेकेंड वाला है, एयर ब्लोवर। ये अपना सेकेंड मूविंग ब्लोविंग है, वो फर्स्ट होगा, ये सेकेंड वाला। ये दोनों में एयर चल रही है इसमें। ये अपना प्रेशर सेंड फिल्टर आगा जो आउट देता है। ये अपना कार्बन सेंड फिल्टर है, कार्बन सेंड फिल्टर है, जिससे कि आउट इसमें जाता है, इसके बाद हम सर्विस आउट दे देते हैं। ये अपना सीसी टैंक है, इसमें पानी स्टॉक होता है, जो प्लांट का आता है अंदर से स्टॉक, के बाद अपन इसी से फीड देते हैं। इसमें फीड देने के बाद अपना ये कार्बन फिल्टर सेंट फिल्टर में जाता है। सेकेंड ट्यूब सेटलर है, इसमें अपना जो भी सलज रहता है वो ट्यूबों में जम जाता है, बाकी पानी पानी अपने ऊपर आ जाता है। इसके द्वारा ही अपना आगे जाता है पानी सीसी टैंक में। अब ये वाला अपना मूविंग ग्लोविंग सेकेंड वाला है, जो इसमें एयर चल रही है वो अपना ब्लोवर, एयर ब्लोवर से जा रही है। ये सेकेंड वाला मूविंग ग्लोविंग चेम्बर है, इससे एयर जो बैक्टीरिया रहता है ना, उनको एयर मिलती रहती है, एयर जो बैक्टीरिया है वो मिलता रहता है। ये अपना फर्स्ट वाला मूविंग ग्लोविंग है, ये फर्स्ट वाला मूविंग ग्लोविंग चेम्बर है, इसमें भी वही चल रहा है जो सेकेंड में चल रहा है, वही एयर चलता है। जैसे बैक्टीरिया जो रहता है ना, इसमें बैक्टीरिया को एयर मिलती रहती है। इसमें जो प्लास्टिक की जो डली मीडिया है, वो इससे बैक्टीरिया इसमें बैठे रहते हैं, इधर उधर नहीं जा पाते उस पानी में। केमिकल आगे होता है इसमें, अपना रिसर्कुलेशन चलता है। ये अपना प्राइमरी ट्यूब सेटलर है, ये प्राइमरी ट्यूब सेटलर है, क्योंकि इसमें सलज नीचे बैठ जाती है और वहां का पानी पानी इसमें निकल जाता है, जो पानी उधर फट के आता है वो इसी में आता है पहले। ये फ्लक्सन टैंक है दोनों, इन दोनों में क्या है, फीड भी इसी में चल रही है, जो इनलेट की फीड है वो इसी में चल रही है, जो अपनी कास्टिक 9231 एटीएल पोली, वो तीनों की इसी में फीड चल रही है। ये अपना इनलेट टैंक है, जो अपना टैंक दिख रहा है बड़ा वाला, इनलेट टैंक है ये उसके बाजू में ये लगा है छोटा सा पंप, वो अपना ऑयल स्कूमर है, ऑयल स्कूमर, ताकि जो इसमें पानी में ऑयल टाइप आता है ना दूध में, वो इससे निकलता है। इससे निकलने के बाद पानी पानी अंदर चला जाता है, ऑयल निकल जाता है इससे। और जो अपने टैंक पे जो पंप लगे हुए हैं दो, वो अपने फीड पंप है, दोनों फीड पंप है अपने, वो इससे अपन फीड अपन इधर दे रहे हैं। ये अपना आउटलेट टैंक है, जो अपना पानी क्लियर होकर जब जाता है ना आउट में, इसी में जाता है टैंक में, वो ये आउटलेट टैंक है अपना। ये वो अपना सलज ड्रेन बेड है, जो कि अपने फर्स्ट ट्यूब सेटलर और सेकंड ट्यूब सेटलर जो रहता है ना, उसमें से अपन सलज जो जम जाती है नीचे ट्यूबों में, वो अपन इसमें रोज निकालते हैं थोड़ी थोड़ी, ये इसको बोलते हैं सलज ड्रेन बेड। जी सलज ड्रेन बेड के बगल में जो नीचे टैंक रखा हुआ है, सलज सलज उसमें रह जाती है, उसके जो पानी आता है वो इस टैंक में आता है जो नीचे रखा हुआ है। ये अपना एक टैंक और डोजिंग लगा हुआ है, इसमें सर हाइपो नाम का एक केमिकल डलता है, हाइपोक्लोराइड,
जिससे क्या है कि अपने पानी में जो बदबू आती है ना, वो पानी की बदबू को उड़ा देता है ये केमिकल। ये डोजिंग अपन पानी के हिसाब से चलाते हैं कम कम, ताकि अपनी पानी की बदबू खत्म हो सके। जिसके बाद में ये पंप जो लगा हुआ है, ये अपना एक तो रिसाइकल के लिए काम आता है, जो इसका सलज जो रहता है रिसाइकल करते अपन, उसके लिए काम आता है, जिससे क्या बैक्टीरिया उत्पन्न होते रहते हैं। रिसाइकल करने से बैक्टीरिया उत्पन्न होते रहते, बाकी अपनी सलज वापस उसी में चली जाती है, और इसी से जो सलज अपना प्लांट बन होने के बाद इकट्ठी होती है वो अपन सलज ड्रेन बेड में निकाल देते हैं। ये अपने इबुलेंट पंप है, जिससे अपन कार्बन फिल्टर सेंट फिल्टर में अपन देते हैं पानी, सीसी टैंक से पानी जो देते हैं कार्बन फिल्टर सेंट फिल्टर में। तो यही अपना आउटलेट का पंप है, ये जो अपन आउटलेट में पंप पानी दे रहे हैं सर, वो इन्हीं द्वारा जा रहा है अपना पानी, जिससे क्या है कि अपना जो क्लीन पानी है वो सेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर से होके निकलता है, वो अपन आउटलेट में छोड़ देते हैं जी। ये अपने प्रेशर सेंट फिल्टर हो गया, प्रेशर सेंट फिल्टर, जिससे प्रेशर से जाता है इसमें, अपन इसमें सेंड कर देते पानी को। इसी से अपना कार्बन फिल्टर है वो आगे वाला, ये कार्बन फिल्टर हो गया, इससे अपन आउटलेट देते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये अपने ब्रेकफास्ट हो गए, इसमें जैसे जो भी सलाह आएगी पहले अपन इसको ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर इसको रिंस करेंगे, रिंस करने के बाद अपन इसको सर्विस इसमें देंगे, इसको सर्विस देने के बाद इसमें अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। ये ब्रेकफास्ट है, ये रिंस आ गया, रिंस करने के बाद इसमें अपन सर्विस देंगे, सर्विस जब देंगे तो अपना आउटलेट में पानी जाएगा। ये अपने मीटर लगे, कितने फ्लो चलाना अपने, फ्लो मीटर है, कितने की स्पीड से अपने फ्लो देना है इसमें, 3000, 2000, 1500, 2000, 2500, जो भी फ्लो देना अपने इसके द्वारा देते हैं। ये अपना पीएच मीटर है, इससे कि अपना पानी का पीएच अपने मालूम चलता रहता है, कितना पीएच का अपना पानी चल रहा है। ये अपना इनका पूरा कंट्रोल सिस्टम है सर, इसी से अपना पूरा प्लांट कंट्रोल होता है। हैंड पंप का है सर, जो अपने कार्बन फिल्टर सेंट फिल्टर में लगे हुए। ये अपने फीड पंप का है, जो अपने इनलेट पंप पे। ये अपने ब्लोवर है, ये अपने ब्लोवर जो चल रहा है सर ऑटो में, उसका है दोनों का। ये अपने चारों डोजिंग का है, जो डोजिंग चल रही है ये दोनों अपने ब्लोवर का आ गया। ये अपना जो आ गया उसको सर्विस का, ये दोनों आ गए अपने सलज पंप, इन दोनों से सलज पंप भी निकलती है। ये आ गया अपना जो ऑयल स्कूमर लगा हुआ है उसका है। ये हमारा एटीपी प्लांट है, ये पानी को ट्रीटमेंट करता है। इसके लगाने का फायदा ये है, इसमें क्या है, जो भी गंदा पानी अंदर से आता है, केमिकल का आता है, कास्टिक का आता है, एसिड का पानी आता है, जो भी आता है वो इसमें ट्रीट हो जाता है। इसको ट्रीट होने से क्या है, अपन पानी को बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकालने के बाद अपन पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं इस पानी को। यदि इस पानी को अपन, जिस लोगों ने इसको नहीं लगाया है, वो यदि इस पानी को पेड़ पौधों में डालेंगे, कहीं पे भी डालेंगे, तो वो पेड़ को भी सुखा देगा। यदि किसी जमीन में डालेंगे तो जमीन में कुछ नहीं उगने देगा। ये पानी इतना खतरनाक होता है सर, ये पानी लगाना, मतलब इसको लगाना बहुत जरूरी है प्लांट को। प्लांट जो लगाए इसमें बहुत फायदा है। प्लांट से क्या है सर कि इसमें पूरा पानी गंदा कैसा भी आ जाएगा उसको साफ हो जाएगा ये पानी। इसका लगाने का बहुत अच्छा वो है सर, ये लगाना जरूरी है। जिसने भी ये नहीं लगाया वो पानी निकाल रहा है, वो प्रदूषण फैला रहा है, मतलब प्रदूषण, मतलब कहीं पे भी वो पानी निकाल रहा है वो जमीन को, मतलब कुछ भी नहीं उगने देगा। और इस पानी को अपन कहीं पे भी निकालेंगे इस प्लांट द्वारा, तो वो पानी बिल्कुल क्लियर होकर निकलेगा, पीएच मेंटेन होकर निकलेगा, उसका टीडीएस मेंटेन होकर निकलेगा। बाकी पेड़ पौधों में आप कहीं भी निकालोगे, तरक्की निकलेगी पेड़ पौधों की भी। अभी हम पानी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे पनीर का पानी आता है, दूध का पानी आता है, वो सब ट्रीटमेंट होता है इसमें सर। बाकी क्या है सर, कास्टिक मास्टिक का भी पानी आता है अंदर से, एसिड का भी आता है, फेड वगैरह लगाते हैं, वो सभी पानी ट्रीटमेंट हो रहा है इसमें। इसको सर फिल्टर करके हम पेड़ पौधों में डाल रहे हैं, पेड़ पौधों को गर्मी में पानी नहीं मिलता, पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है इससे। बाकी पानी वेस्टेज भी नहीं जा रहा है सर अपना ये, बाकी इसको कोई नुकसान नहीं है इस पानी से, इससे के द्वारा भी पानी निकाल रहा है, इससे कोई नुकसान भी नहीं है। इसकी कैपेसिटी 75,000 24 घंटे की है सर, इसको अपन 75,000 तक यूज कर सकते हैं 24 घंटे में, 75,000 पानी आराम से अपन निकाल सकते हैं 24 घंटे में सर इसमें। जिन्होंने ये प्लांट नहीं लगाया उनके लिए मेरा एक निवेदन है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो भी डेयरी प्लांट है उनको ये लगाना चाहिए, इसके लगाने से बहुत फायदा है। इसका पानी जो भी वेस्ट जाता है डेयरी प्लांट का, वो इसमें साफ होता है। साफ होने से ये फायदा है कि यहाँ पे भी आप रह रहे हो अगल बगल सोसाइटी में, वहाँ ये पानी का फायदा है, वहाँ के ढोर पशु पक्षी इस पानी को पी सकते हैं। इस पानी से क्या है कि वेस्टेज नहीं जाएगा एक तो, और पानी क्या है पेड़ पौधों में आराम से आप निकाल सकते हो, कहीं पे भी निकाल सकते हो इस पानी को, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस पानी से निकालने से। और आपके अगल बगल के ढोर पेड़ पौधे वगैरह कहीं पे भी आप पानी दे सकते हो,
पक्षी पानी पी सकते इससे। बाकी मेरा यही निवेदन है कि अधिक से डेयरी वाले सभी से इस प्लांट को लगाए और प्रदूषण से बचे। इफ यू फाइंड आवर वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन डेयरी इक्विपमेंट। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, गिव अस योर कमेंट्स बिलो एंड वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई।